स्थान है उसकी भी भरपाई हो, हर घर नल और नल से जल, ये योजना बहुत लोकप्रिय योजना जो है वो बनती जा रही है। मैंने देखा कि जहां पर इस बजट में 8,70,000 परिवारों को इसमें कवर कर लिया गया है अभी तक, और इसके अलावा इस योजना के लिए 22-23 जो हमारा जो अभी वर्ष चल रहा है 4 करोड़ परिवारों को कवर करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें और किया गया है। इसके अलावा भी अगर मैं आपसे बात करूं तो कई ऐसे प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे वो शहरी हो चाहे वो विकास हो, उसके लिए गांव और गरीब और किसानों के लिए जो योजना बनाई गई थी इसमें 80 लाख नए मकान जो है वो बनाए जाएंगे और इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन जो है वो इस जो अपनी बजट है इसमें रखा गया है, और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए भी इस बजट में 35,581 करोड़ रुपए का आवंटन जो है वो किया गया है। इसके अलावा भी अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो हमारा प्रधानमंत्री विकास योजना शुरू की जाएगी और ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्रों में भी बड़े सारे ऐसे कार्य हैं जो के किए जाएंगे। मैं आपसे रूबरू इसलिए हो रहा हूं कि आपके माध्यम से ये जनता तक बात पहुंचे। वैसे आज जनता बड़ी सजग है, वो जानती है कि भाई ये सरकार जो है वो देश हित में काम कर रही है, गांव गरीब किसान के लिए काम कर रही है और देश के विकास के लिए काम कर रही है। ये जो नरेंद्र भाई मोदी जी का नारा था, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और सबका विश्वास, उसी को लेकर जो है वो आगे बढ़ रही है और गांव गांव में इसकी प्रशंसा जो है वो की गई है। जुगल जी, जैसे आपने कहा आवास योजना, योजनाएं तो कई आती हैं, जैसे आप कार्ड की बात करेंगे जो आयुष्मान कार्ड है, मगर उसमें जब हॉस्पिटलों में जाओ तो वहाँ पे इलाज करने से डॉक्टर मना कर देता है। घोषणाएं कई होती हैं मगर ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया जाता, इसका क्या कारण? आयुष्मान भारत की आपने बात की, बहुत अच्छी योजना और बहुत अच्छी स्कीम है, इसके लिए भी यहाँ पर सारे प्रावधान हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि 70 वर्षों के बाद ये सुविधा आज लोगों को प्राप्त हुई है कि अगर कोई बड़ी बीमारी के कारण परेशान है तो उस गरीब को 5 लाख तक का इलाज जो है वो मुफ्त में दिया जाएगा आयुष्मान कार्ड के माध्यम से। तो ये जो आयुष्मान कार्ड है, कई सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो इस लिस्ट में हैं कि वहां पर फ्री में इलाज होगा, लेकिन आज भी कुछ कमियां, जैसे कि कई हॉस्पिटल अब जाएं तो वो पहले कहते हैं कि आपने पहले आप आइए, एक महीना पहले हमें बताइए, फिर हम आपको रजिस्टर करेंगे, उसके बाद आपका इलाज करेंगे। कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं, लेकिन वो शिकायतें आई हैं, वो शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने बहुत सारे अच्छे कदम उठाए और हमें भी ये फीडबैक मिली है जो आपने दी है, और हमारे पास भी लोग आते हैं, कई लोग तो कहते हैं कि हमारा बहुत अच्छा इलाज हुआ जी, हमें तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि नहीं आ जाइए, और मैं जहां पर जम्मू भी कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर अच्छा इलाज हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जो आज भी इसके लिए आनाकानी करते हैं, लेकिन वो शिकायतें जो है वो हमने केंद्र तक पहुंचाई है। मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो शिकायतें हैं ये भी दूर हो जाएंगी और लोगों को इसका सही महीने में सही समय पर लाभ जो है वो मिलेगा। शिकायतें आती हैं कि हमने ये बात जो है वो सरकार तक पहुंचाई है और सरकार द्वारा उन हॉस्पिटल तक ये मैसेज पहुंच गया है कि अगर आप इस तरह से लोगों को परेशान करेंगे तो आप पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा केंद्र सरकार की तरफ से आया है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये शिकायतें काफी दूर भी हुई है और अभी भी अगर कहीं से शिकायत है तो आप हमको भी बता सकते हैं, और जो हमारे पास भी लोग आते हैं हम डायरेक्ट फोन भी करते हैं, उसके बाद समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन ये इक्के दुक्के ही हॉस्पिटल हैं जो अभी भी कहीं कहीं इनकार करते हैं, लेकिन ये व्यवस्था अच्छी है, लोगों ने इसको सराहा है और 98% ये कामयाब हुई है। कहीं कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन वो भी शिकायतें जो है वो दूर कर दी जाएगी।